तो हेलो दोस्तों, ये देखिए ये एक फैन है, इसके बेयरिंग खराब है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसके बेयरिंग चेंज कैसे करते हैं। मतलब ये देखो, बेयरिंग खराब है, ये पूरी तरह से खराब है। और ये बेरिंग, ये भी थोड़ा सा ठीक है लेकिन खराब ही है। तो जब भी, एक बात याद रखना कि जब भी किसी फैन का बेरिंग चेंज करो तो दोनों चेंज कर लो। मतलब क्या है कि आप अभी एक चेंज करोगे और कुछ दिन के बाद में दूसरा खराब हो जाएगा। फिर दूसरा चेंज करने में क्या होता है दोस्तों, कि अगर आपके फैन का पीवीसी पेपर अगर खराब हो गया, बहुत पुराना हो गया ना, तो वो क्या होता है कि बेरिंग के लिए खोलने में, बंद करने में, ठोकने ढाकने में वो निकल जाता, झड़ जाता, जिससे आपका फैन बॉडी शॉर्ट हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि आप जब भी बेरिंग चेंज करो तो दोनों करो, ठीक है। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये बेरिंग, सबसे पहले जूना बेरिंग जो भी है इस फैन के अंदर, इसको बाहर कैसे निकाले। तो ये ऊपर वाला जो ढक्कन है, इसका आसान है, बिल्कुल सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। एक इस तरह का पाइप लेना है, ठीक है दोस्तों, ये एक इस तरह का पाइप लेना है, ऐसे इस बेयरिंग से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, ऐसे बैठ जाना चाहिए फिट, ये देखिए, ठीक है। ऐसे क्या है ना, आप अगर ऐसे रखकर इसको ठोकेंगे ना तो बेयरिंग बाहर आ जाएगा, आपका जो फैन है, मतलब आपका जो ये है ढक्कन, वो टूटेगा नहीं, ठीक है। एक इस तरह का पोवर लेना है, ठीक है, इसको इस पर रखना है, हथौड़ी इससे इसको ठोकना है, ठीक है, आराम आराम से धीरे धीरे। और ये देखिए आपका बेयरिंग, ठीक है दोस्तों, ये बेयरिंग निकल गया, सिंपल है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं, ठीक है। बट लेकिन ये जो नीचे वाला है, अब इसको तो पीछे से कोई सुराख सुराख होता नहीं, पैक है, तो इसका भी कुछ ज्यादा हार्ड नहीं दोस्तों। इसका भी एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा आप लोगों को। आपको क्या लेना है, मोमबत्ती, मोमबत्ती पता है ना, मोमबत्ती लेना है। इस मोमबत्ती को क्या करना है, इसको एक कटर, कटर से इसको क्या करना है, कुछ इस तरह से इसके काट देना है, इसके पीस पीस कर देना है, ठीक है, ऐसे 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 से काट देना। अब इसको निकालना है और इसमें डालना है बेरिंग, सिंपल है दोस्तों, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसे भी निकालना, बड़े आसानी के साथ निकाल सकते हो, बस थोड़ी बहुत मेहनत तो और जगह करनी पड़ती है, ठीक है। अब इसको, इसी पोवर को इस तरह के इससे ठोकना है, जैसे जैसे मोमबत्ती अंदर चली जाएंगी दोस्तों, वैसे वैसे वो अपनी जो बेरिंग है उसको अंदर से पुश करेगी, और पुश करने की वजह से बेरिंग क्या होगा, बाहर आएगा। तो पहले हम इस बेरिंग को निकाल लेते हैं,
तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये बेयरिंग निकल गया और ये इसके अंदर पूरा मोम जम गया। इस मोम को हमें निकालना है, इसको इस तरह से एक पेचकस लेंगे और ऐसे करके ये दोस्तों मैं मार्केट से बेयरिंग लाया था, मैं HCH कंपनी है। ये बेयरिंग आपको किसी भी मार्केट स्टोर पर आसानी से मिल जाएंगे। ये बेयरिंग इसका नंबर है दोस्तों 6201। ये आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा हूँ लेकिन यहाँ पे है 6201 और ये जो है 6202। ये 6202 ये दो मेरी ही पंखे में बैठते हैं दोस्तों अक्सर हमेशा। और एक आता है जो पुराने पंखों में आता था वो 6000। हाँ तो दोस्तों अब हम इन बेयरिंग को इस पंखे में डालते हैं। ये हमारा फाइनल राउंड है, मतलब आखिरी काम है। इस बेयरिंग को इस तरह से रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इससे हथौड़ी की मदद से ऐसे ठोक देंगे। इसी तरह से इसको भी ये लग गए दोस्तों हमारे दोनों बेयरिंग सेफली आसानी से। तो आप दोस्तों इसको घर पर, दुकान पर, कहीं पर भी, जहां पर भी हो, आप इस तरह से सीलिंग फैन के बेयरिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये भी बिल्कुल फ्री, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे दोस्तों आपका प्यार बरसाते रहो, लाइक और शेयर का बटन दबाते रहो। धन्यवाद।